दोस्तों, जब भी आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो आपने ये तो महसूस किया ही होगा कि जब भी कोई बड़ा रेलवे स्टेशन आता है तो वहाँ पहुंचकर ट्रेन को थोड़ी देर के लिए आउटर पर रोक दिया जाता है, जबकि रेलवे स्टेशन पर वेकेंट प्लेटफॉर्म पड़ा होता है। तो चलो इस वीडियो में हम इसके पीछे की वजह को जानते हैं। तो दोस्तों, होता ऐसा है, जो बड़े बड़े स्टेशन होते हैं वहाँ पर प्लेटफॉर्म वाइज पहले से ही डिसाइड रहता है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पर आने वाली है। जैसे कि अगर पैसेंजर ट्रेन है जो राइट टू लेफ्ट जाती है, उसके लिए प्लेटफॉर्म 1, जो लेफ्ट राइट जाती है उसके लिए प्लेटफॉर्म 2, और जो राजधानी आ रही है उसके लिए प्लेटफॉर्म 3 और आदि। यानी कि हर ट्रेन के लिए बड़े बड़े रेलवे स्टेशन पर पहले से ही डिसाइड होता है कि कौन सी गाड़ी किधर आएगी। और अगर कभी किसी कारणवश अगर किसी ट्रेन को दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर रवाना किया जाता है तो रेलवे इंचार्ज के द्वारा यात्रियों को माइक में बोलकर सूचित किया जाता है। और दोस्तों, ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर कोई ट्रेन पहले से ही लेट होती है और सामने से आने वाली ट्रेन जो प्लेटफॉर्म पर खड़ी है वो राइट टाइम है, तो लेट होने वाली ट्रेन को आउटर पर रोक दिया जाता है और ऑन टाइम ट्रेन को पास करवाया जाता है। और अगला कारण है कि ट्रेन में कई सारे डेली वेंडर्स और वर्कर्स मौजूद होते हैं जिनका स्टेशन पर जाने का कोई मतलब ही नहीं होता, तो उनको उतारने के लिए ट्रेन को आउटर पर रोका जाता है ताकि स्टेशन को लेस क्राउडी बनाया जा सके। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो इसके लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।